बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हमारे लिए नहायत ही मसरत और ख़ुशी की बात है कि हमारे महल्ला दरगाहपुरा में कई एक मसाजिद के यहाँ पर लोग आए और जनाब अब्दुल मन्नान शेख साहब की तरफ से आज 13वां रोज़ा है। उनकी जानिब से माशाल्लाह बहुत धूमधाम तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से और लिल्लाहियत के साथ इखलास के साथ उन्होंने इस दावत को पेश किया और तमाम 10-12 मसाजिद के लोग यहाँ पर हल्के के जमा हुए और 100-200 से ज़्यादा ख़वातीन भी जो है इसका फ़ायदा उठाई, उनको भी खाने का नज़्म बाजू में हुआ है। माशाल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि रमज़ान के इस मुबारक महीने में रोज़ेदारों को इफ्तार कराना बड़ा सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान किसी मुसलमान को इफ्तार कराता है, रोज़ा खुलवाता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसको दोज़ख से नजात देते हैं और दूसरी बात फरमाया कि अल्लाह उसकी पूरी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। और खाना खिलाने वालों के बारे में फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कल क़यामत के मैदान में हौज़े कौसर से उनको पानी पिलाया जाएगा। बहुत बड़ा सवाब है रोज़ा इफ्तार कराने वालों के लिए और बड़ी खुशखबरी है। मैं मुबारकबाद देता हूँ अब्दुल मन्नान शेख को कि यहाँ पर उन्होंने एक अच्छे दौर का आगाज़ किया है कि कई ज़माने के बाद ऐसा मेला यहाँ पर दिख रहा है। गरीब अमीर सब यहाँ पर शरीक है, उलमा उफा सब शरीक है माशाल्लाह, और इलाके के सारे कायदीन सियासतदान सारे लोग यहाँ पर शरीक है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और अब्दुल मन्नान शेख की अल्लाह मुरादें पूरी फरमाए, अल्लाह उनको नज़र बस से और शरीरों की शरारत से हासिल इनके असर से उनकी हिफाजत फरमाए और हमारे शहर के लिए एक नया चेहरा बनकर अल्लाह ताला इनको कामयाब फरमाए और तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद बनाए। आपके अभी जो आपको यहाँ पर वार्ड है वार्ड नंबर 9, इस वार्ड में आप रहते हैं, तो क्या लगता है इस वार्ड से अब्दुल मन्नान शेख को आवाम आगे करेगी अगले इलेक्शन में? ऐसा तो बहुत सुनने में आ रहा है माशाल्लाह, यहाँ पर महल्ले के ये जो लोग हज़ारों की तादाद में जो आए हैं ये अब्दुल मन्नान शेख की मोहब्बत में आए हैं और इनकी दावत पर आए हैं और मुझे लगता है कि इस माह मुबारक में अल्लाह ताला इन गरीबों की दुआओं को सुनेगा और अब्दुल मन्नान शेख की मुरादें और उनकी तमन्ना उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला कोशिश यानी ख्वाहिश करेंगे, अल्लाह से दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला इनकी मुराद पूरी फरमाए।